देख सकते हैं कि ये गेट नंबर 1 है और यहाँ टिकट के लिए सारे अट्रैक्शंस मेंशन हैं, जैसे कि यहाँ पे 30 रुपीज़ पर इंडियन है, सो 350 रुपीज़ लाइक अगर कोई भी फॉरनर्स यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए है। बट यस, यहाँ पे मेंशन है कि 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ आपका कैमरा चार्जेस है। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ यार अपने घर से अपना मोबाइल लेकर आएँ जो कि आप सब कैरी करते हैं और अपने पैसे बचाएँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यस, आप लोगों के साथ हम पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे यहाँ की, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि एंड में जो हम आपके साथ टिप्स शेयर करने वाले हैं ताकि आप जब भी कभी यहाँ पर आते हैं आपकी जर्नी और स्मूथ हो सके। तो चलिए हमारी यमुना नदी, और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यमुना नदी यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है और बहुत शांति वाला फील आ रहा है। सो साइड में इस फील को एंजॉय करने के लिए बेंचेस लगे हुए हैं जहाँ पर आप इजीली बैठ करके ऐसे नेचर का बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि आप 5 से ज़्यादा नहीं चढ़ सकते, तो प्लीज़ 5 से ज़्यादा यहाँ पे ना चढ़े, ठीक है। और यस गाइज, एक सजेशन आपको देना चाहूँगी कि ये जो लोग आप मतलब एंट्री लेते ही ना यहाँ पर इतनी सारी फोटोज खिंचवाना चालू कर देते हो, लाइक पूरा दिन यहाँ निकाल देते हो, यार अंदर तक जाओ और नेचर की ब्यूटी को फील करो। तो चलते हैं अब हम वॉच टावर 1 की ओर, यहाँ से सारे एरियाज हम कवर करते हुए जाएंगे ताकि आप लोग यहाँ पे इजीली सब देख पाए। सो यार यहाँ सीरियसली बहुत बहुत मतलब शांति मिलेगी जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो। सो यहाँ पे आप चाहो तो फैमिली के साथ भी आ सकते हो और आपको काफी अच्छा लगेगा फैमिली के साथ आते हुए, क्योंकि आप शांति से बैठ के बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और यस, सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्नेक्स आपको दिख रहे होंगे, ही मुझे तो डर लग गया। सो यहाँ पे भी कुछ है, दिखा देती हूँ क्या है, ये दूधराज लिखा है यार। गुरी यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी गंगा चिल्ली विंटर मैगवेंच बड़ी गंगा चिल्ली। सर एक्चुअली आपका जो चार्ज है ना वो ज्यादा लगना चाहिए था। आप बड़ी गंगा चिल्ली, मेरे नाम रख दो गंगा चिल्ली। ओ ये एरिया था कवर करने वाला, देखो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है और ये गंगा चील है, मैं चिल्ली थी तुम गंगा चील हो, आ जाओ। और गाइस अगर आप कभी भी यहाँ पर आ रहे हो तो ये जगह फोटो सेशन के लिए बहुत प्यारी है, लाइक आप देख सकते हो मेरे पीछे कि लोग फोटोज यहाँ पे खिंचवा रहे हैं अभी, मे भी मैं कवर हो रही हूँ यहाँ पे, बट सीरियसली तो प्यारा व्यू आ रहा है एंड आई लव दिस प्लेस। मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ बट मुझे यहाँ पे कैप्चर करने में बहुत मजा आ रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, इतने प्यारे प्यारे फोटो। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये जा रही है आपकी ओखला बर्ड सेंचुरी के अंदर तक, लाइक पूरा एरिया कवर करने के लिए सीधी लेन है क्योंकि जो इसका एरिया है 3.5 किलोमीटर है, तो 3.5 किलोमीटर करने के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं रिक्शे को, तो आप इस रिक्शे से भी आ सकते हो अगर आपको यहाँ पे आना है तो। अगर आप चाहते हो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हुए आगे तक जाना तो आप पैदल प्रेफर करें। आप देख सकते हो कि ये व्यू यहाँ का बहुत सुंदर है और दिल्ली में ऐसी नेचर की जगह बहुत कम बची हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कुछ भी खाने पीने का रैपर लाते हैं, ठीक है, तो उसे ऐसे ना फेंकें, साफ सफाई के लिए प्लीज आप डस्टबिन का यूज करें,
ठीक है। सो यहाँ पर डस्टबिन्स लगे हुए हैं, आप कुछ भी ला रहे हैं ऑलवेज डस्टबिन्स का यूज करें। ओके सो गाइस, जो यहाँ पे सबसे खूबसूरत वाला अट्रैक्शन है वो है ये सनसेट। इसके चक्कर में मतलब इवनिंग तक रुके हैं हम यहाँ देखने के लिए कि यस कैसा होता है। गेट नंबर 2, और अगर आप गेट नंबर 2 से आते हैं तो यहाँ पे वॉशरूम भी है, अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो हो सकते हैं बिल्कुल। एंड साथ में ही वे टू वॉच टावर है, दैट मींस यहाँ पे वॉच टावर मेंशन है, बट अभी बर्ड फ्लू की वजह से वो बंद है। और यहाँ पे घूमने की और भी बहुत सारी जगहें हैं जो आप घूम सकते हैं, और जैसे कि आप सब वीडियोज में देख ही पा रहे हैं कि काफी अच्छी जगह है जहाँ पर आप फोटोज भी ले सकते हैं। जैसे कि गाइज मैंने आप सभी को बताया था, अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी ताकि जब भी आप कभी यहाँ पर आते हैं तो जो आपकी जर्नी है बहुत स्मूथ हो सके। सो पहली टिप ये है कि आप कभी भी अंदर एंट्री ले रहे हैं सो ऑलवेज आपको मास्क वेयर करना है, ठीक है। सो मास्क वेयर करके ही एंट्री लेनी है। दूसरा, अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो वॉशरूम गेट नंबर 2 पे मिलेगा, सो आप यहीं पर आएंगे। और यहाँ पर जब भी आते हैं बहुत कंफर्ट वाली ड्रेस पहन कर आएं, ठीक है, अपने शूज पहन कर आएं, ठीक है, और कंफर्ट वाली ड्रेस पहन के आएं ताकि आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो ये 3.5 किलोमीटर का एरिया बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कंफर्ट के तरीके से मतलब इसे कवर कर पाएं। और यस, ये एक फोटोग्राफिक सेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो आप कभी भी यहाँ पर आ रहे हैं तो अपना टाइम बहुत अच्छे से लेकर आए, बहुत ज्यादा टाइम लेकर आए। ओके, और उसके बाद बताना चाहूंगी कि अगर आप कुछ भी खाने पीने का लाते हैं अपने साथ तो वो रैप में कवर होना चाहिए, ठीक है, और अगर रैप में कवर है तो वो आप डस्टबिन वगैरह में डाल सकते हो, ऐसे नॉर्मल ना फेंकें। और यहाँ पे शोर बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे पक्षी है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा एंजॉय करना बनता है। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं करना है, आप आराम से यहाँ पे आइए, काफी अच्छा लगेगा यहाँ पर आने से। तो अगर आपने वीडियो हमारा यहाँ तक देख ही लिया है सो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यस, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर कर देंगे। एंड यस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।